अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल ने गांधी मूर्ति के समक्ष संहति दिवस का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को जोड़ना था। सर्वधर्म का परचम पूरे देश में फहरे, यही कार्यक्रम का उद्देश्य था। तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल हर वर्ष 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाती है। तृणमूल कांग्रेस का ऐसा मानना है कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गलत था। कार्यक्रम में मोदी सरकार पर नेताओं ने निशाना साधा। तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी को अपने वक्तव्य में आड़े हाथ हो लिया। 2020 साल दिसंबर पर्यंत बीजेपी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, सीबीआई और ईडी भय बीजेपी दरजाय बेधे रखा कुकुर मत घेव घेव करते गेछे। नतून हिंदू से जेछे नतून हिंदू सकाल থেকে রাত অভিষেকের নাম জপছে, শয়নে স্বপ্নে জাগরণে অভিষেক 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 ফোবিয়ায় ভুগছে, অভিষেক কাঁথিতে মিটিং করেছে, উপচে গেছে সমুদ্র, এখন বলছে আমিও গিয়ে কাঁথিতে মিটিং করব। আমরা শুনে বলেছি ইয়ে ডর আমে আচ্ছা লাগা। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री मलय घटक, विधायक देवाशीष कुमार, विधायक मदन मित्रा, युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सायनी घोष, अरुण ज्योति भिक्षु, पार्षद सचिन सिंह, पार्षद शांति रंजन कुंडू, तृणमूल नेत्री प्रियदर्शनी घोष, सोफिया खान, एहद सामुल हक, फरीद खान, मोहम्मद माजिद सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हाजी नूरुल इस्लाम ने किया। प्रभात वार्ता के साथ शमी चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज के संगति दिवस एवं আমরা সবাই যদি সুসংগত ভাবে আগামী দিনে থাকতে পারি সেই দিকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদেরকে এইটা মাথায় রাখতে হবে যে আজকে আগামী দিনে ভারতবর্ষ বা পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরি হোক না কেন, আমরা সুসংগত থাকব, আমরা একসঙ্গে থাকব। এবং দ্য আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ দ্য ফ্যাব্রিক অফ ইন্ডিয়া আমরা যেটাকে বলি, যেটা আমাদের যারা দিগ্গজ ছিলেন, যারা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন, যারা যেরকম ভাবে ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিলেন, সেই দিকে আমরা এগিয়ে যাব।